ट्राइबल इलाका है, हिल ट्राइब्स थारू लोग रहते हैं। और जो ट्राइबल जो प्रोग्राम आनंद मार्ग का हो उसको लेके हुआ कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और चूंकि वो डीएम थे इसलिए एसडीएम तहसीलदार सबका सहयोग भी था। लोगों ने जाना कि आनंद मार्ग की एक इकाई यहाँ इकट्ठी खोली गई। धीरे धीरे आप जानते हैं कि ज्ञान का प्रकाश अंधकार में है। यहाँ तो शिवेरियन डार्कनेस था हर प्रकार से। भारत का इतना पिछड़ा इलाका, परमात्मा की कृपा से पूरा विश्व देखने का मौका मिला है, भारत को भी देखने का मौका मिला। इतना पिछड़ा इलाका मैंने कहीं नहीं देखा। इसी बीच में इमरजेंसी आ गई। पूरे देश की दुर्दशा क्या थी, जो बाद के बच्चे पैदा हुए हैं उनको तो ये सब पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने झेला है उसको, जिसका कहते हैं कि बिल्कुल विध्वंस कर दिया जाए। उसमें सबसे अधिक जाति आनंद मार्ग के ऊपर हुई, क्योंकि आनंद मार्ग का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और आप जानते हैं प्रजातंत्र में जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसी के पास इकोनॉमिक पावर भी आ जाता है, सब उसके हाथ में हो जाता है। तो इतना बड़ा मिसयूज हुआ उस समय हर प्रकार के पावर का कि भारत में एक प्रकार से तानाशाह बैठा। उसके बाद आप जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह पाव फटता है, सवेरा हुआ जिस तानाशाह ने ये इमरजेंसी लगाई थी, देखा कि देश की क्या अवस्था है, उन्हीं हाथों से इमरजेंसी लिफ्ट भी की गई। उसी के बाद हमको यहाँ भेजा गया। आनंद मार्ग का सन्यासी किसी भी जगह को घृणा नहीं करता, और हमें सिखाया गया है जब से आए हैं तब से कि तुम सन्यासी हो दुनिया से पूजा पाने के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए, दुनिया से लेने के लिए नहीं देने के लिए आए हो। 9 मई 1979 को मैं यहाँ पहुँचा। उस समय गाड़ी आती थी गोंडा से जरवा तक, छुक छुक करते हुए गहसिटी से आती थी, सुबह 5 बजे पहुंची। हमको बतलाया गया था कि ऐसे ऐसे साहब नहीं है आनंद मार्ग। मैं यहाँ आया तो देखा कि इमरजेंसी का मरा हुआ आर कुमार साहब नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा 2 कमरे बनवा के यहाँ दे दिए थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया इमरजेंसी में लोगों ने खिड़की दरवाजे, सोचा कि यहाँ इसकी उपयोगिता नहीं है, चलो घर ले चलते हैं। तो पूरा हवा की व्यवस्था हो गई, क्योंकि मैं गर्मी में आया था, खिड़कियों के द्वारा दरवाजों के द्वारा पूरी हवा का आवागमन था। और इसमें गधे का वास था, किसी तरीके से कहा कि श्रीमान जी अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, अब हमको यहाँ रहना है। मैं यहाँ से नित्य प्रति सुबह, मेरे पास एक छोटा सा बाल्टी थी उसी को लेकर के जंगल में चला जाता था, नालों में बालू हटाया, पानी निकाला, नहाया, वहीं बैठ के साधना की रेत पर, और वहाँ से जंगल तो से गुजर तोड़ के लाया, उसी को मिट्टी के बर्तन में पकाया और खाया, यही मेरी दिनचर्या थी। एक बच्चे को मैं सोचा कि चूँकि थारू इलाका है ये पिछड़ा क्यों रहेगा, यहाँ एक दीप जलाया जाए टिमटिमाने वाला। तो एक बच्चे से मैंने शुरुआत की। धीरे 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 दिक्कत यह क्या थी, एक भी बच्चा था लेकिन दिन में पानी तो चाहिए, पानी नहीं। यहाँ गांव का भगवान दीन थारू का कुआं था, उसी पर भैंस भी नहा रहे, थारू भी नहा रहे, थारूइन भी नहा रहे, मैं भी नहा रहा। एक टूटी हुई बाल्टी, घिसी हुई रस्सी, उसे पानी निकाल करके लाया,
प्यास लगी तो उसी से पी लिया, यही दिनचर्या थी। धीरे धीरे एक बच्चे से शुरू किया और धीरे धीरे एक बच्चे का विद्यालय हो गया। गुरुदेव ने, संगठन ने कहा कि नहीं, यहाँ काम करो, और इस जगह का नामकरण हो गया आनंद ज्योति। ज्योत तो जग गई, क्योंकि दिया था उसमें तेल नहीं था, बत्ती भी नहीं थी, तो ज्योत जग गई। यहाँ आप देख रहे हैं धीरे धीरे कोई ज्योत एक माइक्रो स्टेज से शुरू होकर के मैक्रो रूप धारण करती है, और ये क्रमशः। आज से कई साल पहले एक एलुमनाई यहाँ हुई थी, पुराने बच्चे हमारे आए थे, अपने अपने अनुभव सारे बच्चे कह रहे थे। दो दो पुराने सांसद यहाँ थे, मेरे ज़माने के भी, उसके बाद के भी। यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ, अपना अनुभव सुना रहा था, दादाजी हमको बहुत मारते थे। तो एक सांसद साहब ने कहा, क्यों मारते थे? तो सही बोलने के लिए मारते थे। इसका नतीजा ये है कि मैं आज PhD हूँ, तो मैं क्या करूँ? अगर कहीं रोग है तो भाई सर्जन तो ऑपरेशन ओटी में ले जा करके जब थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, तो चाकू चला के जब खून कितना भी निकले, जब तक रोग नहीं निकलेगा वो सिलाई नहीं करे। मेरी मजबूरी थी, कोशिश किया। इस विद्यालय ने धीरे धीरे विधायक भी दिया, ग्राम प्रधान भी दिया, जजेज भी दिया, पुलिस ऑफिसर भी दिया, टीचर्स भी दिया, बिजनेसमैन भी दिया, हर क्षेत्र में। और आज आप जानते हैं आनंद मार्ग पढ़े लिखे आदमियों को सन्यासी बनाता है कि समाज के ऊपर भार न हो, क्योंकि कोई योग्यता नहीं होगी तो सेवा नहीं दे सकता। हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है, रिलीफ प्रोग्राम है, समाज के उन्नयन का काम है, तो समाज तक अगर पहुंचेगा नहीं, अपनी बात समझा नहीं सकता, तो समाज कैसे समझे? इसलिए अब धीरे 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 आप देख रहे हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं 5वीं फेल था, अब क्या करता, सन्यासी बन गया। लेकिन धीरे 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 यहाँ सीखा, धीरे धीरे यहाँ सीखा। अब यह है कि एक से एक योग्य आदमी यहाँ आए, आगे भी आए हैं। मैं एक दीपानंद जी यहाँ आए, अभी एक ब्रह्मचारी को भेजा गया है, वो भी बहुत क्वालिफाइड है। जब मैं देखा सुबह हम बच्चों की प्रार्थना करवाते हैं 5 बजे, उसको कहते हैं पंचजन्य, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है 2 बजे बिस्तरा साधक त्याग देता है, 3 बजे योगी, 4 बजे साधारण जन, और 5 बजे के बाद रोगी। तो हम 2 बजे तो नहीं जगाते, हम जगते रहे, लेकिन हम बच्चों को सुबह जगने की जरूर आदत डालते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जो आम आदमी के सोने की रात है, संयमी उसी समय जगता है, क्योंकि निद्रा और भोजन जितना चाहे बढ़ा दें, इस देश में कुंभकर्ण भी हुए हैं, लेकिन इस दुनिया में नेपोलियन भी हुआ जो घोड़े के पीठ पर 3.5 मिनट सोता था। तो जिसको कुछ करना है तो निद्रा पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि उसको विश्राम में कमी नहीं हो, इसलिए इसी प्रकार का भोजन देते हैं, इसी प्रकार का रूटीन बनाते हैं कि पूरे जीवन में उसको काम आएगा। 10 साल के बाद 9 सितंबर 89 को मैं यहाँ से, मेरा स्थानांतरण हो गया। देहरादून में एक जगह है थानू, वहाँ मैं गया। 9 सितंबर को मैं यहाँ से जब जा रहा था,
तो मैं तो एक लटकने वाला झोला लेकर के आया था, वही लेकर के मैं जा रहा हूँ, एक हाथ में डंडा था और सब कुछ यहाँ सब देख करके मैं चल दिया। उस समय हॉस्टल में 65 बच्चे थे, विद्यालय में भी 150-160 बच्चे थे। लोगों के सहयोग से निर्माण काम शुरू हो गया था। पीछे गड्ढा था जिसमें बच्चे सिंघाड़ा खोजते थे बरसात के दिनों में। इलाके ने गड्ढा भरवाया, इस इलाके से यहाँ हीरालाल जी बैठे हुए हैं, बोले कि दादाजी एक एक दो दो ट्रक से नहीं होगा, मैं लगा देता हूँ, इसलिए दो तीन ट्रकें इनकी लग करके तमाम जा करके गड्ढे को भर दिया। तो हमसे गड्ढा भरवाया, कुआं हमने अपने से खोदा। रोज डेली स्कूल बनने के बाद, बंद करने के बाद मैं 2 घंटे खोदता था कुदाल चला कर, करीब 2.5 महीने में खोद दिया उसको। लोगों से मांग करके ईंट हमने कुआं बनवाया, आज भी है। इस इलाके में मुसरा वाला कोई कुआं नहीं है कि यही है। तो यहाँ जो भी सन्यासी आए हैं इसको आगे बढ़ाया है, लेकिन कैसे करता, आप सबकी मदद से, सबकी मदद। किसी ने एक ट्रक बालू दिया, किसी ने एक ट्रक ईंट दिया, तो किसी ने आज सांसद जी जो यहाँ सबसे कमी थी जल संकट, उसको इन्होंने दूर कर दिया। अब बच्चों को शुद्ध पानी पीने के लिए आरोप लग सकता। मैं तो भगवान दिन थारू के कुएं से पानी पिया, लेकिन अब ये विद्यालय आनंद ज्योति बच्चों को आरओ का अपना पानी पी रहा है, इसलिए शाबाश सांसद जी। अब ये है कि आप लोगों से एक यही बात करनी है कि प्रजातंत्र है, जो सेवा करेगा उसको जनता आगे बढ़ाएगी।